दलितं वंचम என் தந்தை என்னை சோழ நாட்டிற்காக வாழேந்தும் நான் ஆதித்த கரிகாலரின் நண்பன் வல்லவரையன் வந்தியத்தேன் गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पोनियन सेल्वन 1 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 8 के बारे में। दोस्तों बात करें फिल्म पोनियन सेल्वन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 8 की, तो विक्रम ऐश्वर्या राय बच्चन श्याम रवि कार्तिकेयन त्रिशा स्टार फिल्म पोनियन सेल्वन 1 ने अपने डे 8 के अंदर अपने बेहतरीन कमाई के सिलसिले को बरकरार रखा है। दोस्तों बात करें फिल्म पोनियन सेल्वन 1 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 8 की, फिल्म पोनियन सेल्वन 1 ने अपने डे 8 के अंदर वर्ल्ड वाइड 16 से लेकर 18 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया, जहाँ फिल्म का तमिलनाडु से 7.5 से लेकर 8.5 करोड़, ऑल इंडिया से 11.5 से लेकर 12.5 करोड़, ओवरसीज से 4 से लेकर 6 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन रहा। इसी के साथ फिल्म पोनियन सेल्वन 1 का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन वर्ल्ड वाइड में 341.35 से लेकर 343.35 करोड़ का हो चुका है। वहीं दोस्तों बात करें फिल्म पोनियन सेल्वन 1 के स्टेट वाइज डे 7 तक के टोटल कलेक्शन की, फिल्म का डे 7 में स्टेट वाइज कलेक्शन तमिलनाडु से 133.6 करोड़, ऑल इंडिया से 208.1 करोड़, ओवरसीज से 117.25 करोड़, तेलुगु से 15.75 करोड़, केरला से 17.7 करोड़, कर्नाटका से 20.5 करोड़, तो वहीं फिल्म का हिंदी प्लस रेस्ट ऑफ इंडिया से 19.8 करोड़ का क्रॉस कलेक्शन हो चुका था। वहीं दोस्तों फिल्म पोनियन सेल्वन 1 के प्रीवियस डे 7 कलेक्शंस की बात करें तो फिल्म ने 2.4 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था। दोस्तों फिल्म पोनियन सेल्वन 1 के ऊपर आपकी क्या राय है, आपने फिल्म पोनियन सेल्वन 1 देखी या ना देखी, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म विक्रम वेधा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 8 के बारे में। दोस्तों बात करें ऋतिक सैफ खान स्टार फिल्म विक्रम वेधा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 8 की, तो फिल्म विक्रम वेधा का डे 8 में कलेक्शन करने के मामले में बॉक्स ऑफिस पर खास कमाती नहीं दिखी, लेकिन फिल्म विक्रम वेधा ने वर्ल्ड वाइड में अपने 100 करोड़ आंकड़े को छू लिया है। दोस्तों बात करें फिल्म विक्रम वेधा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 8 की, तो फिल्म विक्रम वेधा का डे 8 के अंदर 2 से लेकर 2.5 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन रहा। इसी के साथ फिल्म विक्रम वेधा का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन 61.37 से लेकर 61.87 करोड़ का हो चुका है। वहीं दोस्तों फिल्म विक्रम वेधा के टोटल वर्ल्ड में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म विक्रम वेधा का टोटल वर्ल्ड में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 103 करोड़ का हो चुका है। वहीं दोस्तों फिल्म विक्रम वेधा का ओवरसीज कलेक्शन की बात करें तो फिल्म विक्रम वेधा का ओवरसीज कलेक्शन डे 7 तक 30.13 करोड़ का हुआ है। वहीं दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म विक्रम वेधा ने अपने डे 7 के अंदर वर्ल्ड वाइड 3.26 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था। दोस्तों फिल्म विक्रम वेधा की बात करें तो फिल्म विक्रम वेधा को 175 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है। फिल्म की बात करें तो फिल्म एक गैंगस्टर और पुलिस वाले के बीच थ्रिलर से भरे रोमांच को दिखाया गया है। यह फिल्म साउथ फिल्म विक्रम वेधा का हाई प्रोफाइल हिंदी रीमेक है। चलिए दोस्तों बात करते हैं चिरंजीवी सलमान खान नयनतारा एंड सत्यदेव कंचरना स्टारर गॉडफादर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 के बारे में। दोस्तों बात करें फिल्म गॉडफादर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 की, तो फिल्म का डे 3 में अच्छी खासी कमाई का सिलसिला बरकरार है। तो बात करें फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 की, तो फिल्म गॉडफादर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 में वर्ल्ड वाइड 13 से लेकर 15 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन रहा, जहां फिल्म का 7 से 8 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर शेयर है। इसी के साथ फिल्म गॉडफादर का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन वर्ल्ड वाइड में 63.45 से लेकर 65.45 करोड़ का हो चुका है, जहां फिल्म का 34.47 से लेकर 35.47 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर शेयर है। फिल्म ने अपने प्रीवियस डे 3 के अंदर 18.35 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था। दोस्तों फिल्म गॉडफादर की बात करें तो फिल्म गॉडफादर को टोटल 135 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है। फिल्म गॉडफादर में सलमान खान का कैमियो रोल भी देखने को मिला है। दोस्तों फिल्म गॉडफादर के ऊपर आपकी क्या राय है, आपने फिल्म गॉडफादर देखी या ना देखी, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म द घोस्ट के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 के बारे में। दोस्तों बात करें नागार्जुना की नई रिलीज फिल्म द घोस्ट के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 की, तो फिल्म घोस्ट का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 में बहुत ही बुरा हाल है। दोस्तों फिल्म बॉक्स ऑफिस में बुरी तरह से पिट गई है और कमाई करने के मामले में फेल साबित हो रही है। बात करें फिल्म द घोस्ट के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 की, तो फिल्म का डे 3 के अंदर वर्ल्ड वाइड 0.8 से लेकर 1.25 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन हुआ। इसी के साथ फिल्म द घोस्ट का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन 7 से लेकर के 7.4 करोड़ का हो चुका है। वहीं दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म का डे 2 के अंदर 1.8 करोड़, तो वहीं फिल्म ने अपने डे 1 के अंदर 4.6 करोड़ का ओपनिंग ग्रॉस कलेक्शन किया था। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि नागार्जुना की फिल्म द घोस्ट को 45 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था। फिल्म को हिट होने के लिए 50 करोड़ के आंकड़े को छूना होगा, जो कि फिल्म का इस बजट के आंकड़े तक पहुंच पाना मुश्किल लग रहा है। फिल्म द घोस्ट के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।
चलिए दोस्तों बात करते हैं ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 29 के बारे में। दोस्तों बात करें फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 29 की, तो फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा का डे 29 के अंदर वर्ल्डवाइड 0.45 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन रहा। इसके साथ फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन 421.96 करोड़ का हो चुका है, जहाँ फिल्म का हिंदी से 230.5 करोड़, वही फिल्म का इंडिया ऑल लैंग्वेज से 251.7 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है। दोस्तों फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा की बात करें तो फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा बॉक्स ऑफिस पर अपने एक मंथ को पूरे करने वाली है। फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा को 410 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था। वहीं दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट टू शिवा को 2025 में रिलीज किया जाना है। फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा को आपने देखा या ना देखा कॉमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं धनुष इंदुजा रविचंद्रन स्टार फिल्म नाने वारियन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 9 के बारे में। दोस्तों बात करें फिल्म नाने वारियन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 9 की, तो फिल्म नाने वारियन का डे 9 के अंदर 1.2 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन रहा, जहां फिल्म का तमिलनाडु से 1 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन हुआ। इसी के साथ फिल्म नाने वारियन का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन 34 करोड़ का हो चुका है, जहां फिल्म का तमिलनाडु से 27 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन रहा है। दोस्तों फिल्म नाने वारियन की बात करें तो फिल्म नाने वारियन को टोटल 45 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है। फिल्म नाने वारियन को आपने देखी या ना देखी, आपकी इस फिल्म को लेकर क्या राय है कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। तो दोस्तों ये तरीका चुका हाल फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस का। पोस्ट पसंद आया तो लाइक करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बॉलीवुड के गलियारों से लेटेस्ट खबर के लिए जुड़े रहिए हमारी इस एंटरटेनमेंट न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।